जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनके लिए ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, इन सब बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। दूध को संतुलित पोषण की दृष्टि से संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए भी दूध उतना ही अच्छा है, खास करके रात के समय में? तो चलिए आज सबको बताते हैं आज के इस वीडियो में कि डायबिटीज के मरीजों को रात के समय में दूध पीना चाहिए या नहीं। फैट्स, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और खनिज के अलावा दूध में लैक्टोज के रूप में भी कार्ब्स होते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि उन्हें ब्लड शुगर के स्तर के प्रबंधन के लिए अपने कार्बोहाइड्रेट सेवन पर नजर रखने की जरूरत होती है। दूध में मौजूद लैक्टोज शरीर में जाकर चीनी में तब्दील हो जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज स्तर बढ़ने लगता है। दूध ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि लैक्टोज शुगर में तब्दील हो जाता है, इसलिए शुगर के मरीजों को रात में दूध पीने से बचना चाहिए। साथ ही लैक्टोज के टूटने पर मिली ऊर्जा का इस्तेमाल रात के समय में शरीर नहीं कर पाता, इसलिए सुबह नाश्ते में दूध पीना ज्यादा बेहतर है। उस वक्त शरीर का शुगर लेवल कम होता है और दिन भर के लिए शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। हालांकि रात में दूध पीने से नींद अच्छी आती है, तो आप हल्दी का दूध का सेवन सोने से पहले कर सकते हैं। हल्दी इंसुलिन का स्तर बढ़ाती है, इससे ब्लड शुगर स्तर संतुलन में रहता है। दूध से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्तर उच्च होता है। यहाँ तक कि लो फैट गाय के दूध में भी कार्ब्स की मात्रा 12 ग्राम ही होती है, इसलिए जो लोग शुगर के मरीज हैं उन्हें स्किम मिल्क लेने की सलाह दी जाती है, जो फैट और कैलोरी में कम होता है। यह गाय के दूध की तरह ब्लड शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता। इसके अलावा बादाम का दूध, सोया दूध और फ्लैक्स दूध में भी कार्ब्स और कैलोरी की मात्रा कम होती है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दूध की मात्रा पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। हर खाने का असर हर व्यक्ति पर अलग तरह से होता है, इसलिए शरीर के हिसाब से मील प्लान करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।